नसीम साहब को बुलाना चाहूंगी, वो 60 साल से ज्यादा के हैं नसीम साहब, और ये मेंटल पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से इनका मेडिकल कॉलेज में इलाज भी चल रहा है, और ये प्रोटेस्ट में शामिल भी नहीं थे, ये खुद बताएंगे और किस तरह से मारा गया था। इनकी वीडियोस भी थी, मैंने इनको रैंडमली, मैं जेल में इनसे मिलने गई थी क्योंकि मैंने इनकी वीडियो देखी थी और फोटो देखा था, तो ये पुलिस से पानी मांग रहे थे और पुलिस ने बहुत मारा था, और सामने ये गिरे हुए थे और कह रहे थे कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, और पुलिस ने इनको पानी तक उस वक्त नहीं दिया था। तो आगे की ये बात खुद बताएंगे कि इन्होंने क्या चीज़ें फेस की है और स्टेट ने किस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म किया है और उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स को भी कितना ज़्यादा वॉयलेट किया है, चूँकि कोई भी किसी के बेसिक ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकता, लेकिन खुद सरकार जो कि इसको बचाने का काम करती है वो खुद वॉयलेट कर रही थी। तो इसके आगे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस पर क्या किया जाएगा आगे और क्या होगा। हजरत, हम दफा 44 में आज पहली बार पिटने के बाद महसूस हुआ कि घर से अकेले भी नहीं निकलना चाहिए। हम तो अकेले घर से निकले थे दवा लेने के लिए, हॉस्पिटल गए, वहाँ से फिर एक मिलने वाले नरही में रहते हैं, उनसे मुलाकात करके लौट रहे थे, तो यहाँ हंगामा देखा। वहाँ पर एक छोटी सी खबर है, वहाँ पर मैं खड़ा था, लोग लड़के भाग रहे थे, पुलिस दबा रही थी, और हमको देख लिया तो उन्हीं ने फौरन हमको पकड़ा, और करीबन 8 पुलिस वाले बैक वक्त दाढ़ी मेरे ऊपर ऐसे चला रहे थे जैसे कि शायद कोई जानवर को भी ऐसे नहीं मारेगा, और बहुत बुरी तरह से हमें घायल कर दिया, और फिर हमें लेके दौड़ा करके लेके चल रहे थे, तो मैं चल पा रहा था, और मेरी उम्र तकरीबन 68 ईयर्स है, और मैं मानसिक रोगी भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा है दवा से, लिहाजा मैं के किनारे खड़ा था कि भाई हंगामा हो रहा है, बस हमको उसी हालत में रोक लिया और बस इतना मारना शुरू किया कि बस बेहाल कर दिया, दौड़ा के लेके चल रहे थे, तो हमने कहा भाई मुझे अब हमसे चलना नहीं जाएगा, मर जाएंगे। तो फिर उन्होंने हमें ज़मीन पर 2 मिनट के लिए बिठाया, तो दुनिया ने देखा हमारी फ़ोटो को और बहुत मशहूर हो गए, और हमें तो बड़ी खुशी इस बात की है, जो कुछ मेरे साथ बीता उसका हमें गम नहीं, खुशी इस बात की है कि आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है और इतने बड़े पैनल से मिल रहा हूँ, और मेरी दुनिया, मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में जा रही है, और मुझे बड़ा फख्र है इस बात का। हमारे हमसंदी साहब हैं शहाबुद्दीन मदनी, उन्हीं ने कहा कि भाई मुल्क की जंग आज़ादी में आपका हिस्सा नहीं था, लेकिन आपने संविधान बचाओ में आपने हिस्सा ले करके एक अपना भी नाम दर्ज करा लिया, लिहाजा मैं उसमें अब आ गया हूँ। इंशाल्लाह ये लड़ाई अवामी तौर पे भी है और मजहबी तौर पे भी मैं मुल्क का एक बाशिंदा हूँ और लड़ूंगा इंशाल्लाह, जब तक दम में दम है चलता रहूँगा, और मुझे बड़ी खुशी है पुलिस ने यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है, अब आगे देखा जाएगा जहाँ तक भी जाए, और बाकी जुर्माना वगैरह लगाया है, और मैं तो बेटी की शादी चंद दिनों बाद मैंने होने की है का इंतजाम कर रहा हूँ, और उन्होंने जो एक बड़ा खर्रा बना के भेज दिया है वो नोटिस, उसमें कितना जुर्माना है मुझे मालूम नहीं, अब मैं बेटी के दहेज का इंतजाम करूँ या मैं ये योगी के जुर्माने का इंतजाम करूँ, मैं तो बड़े सचुपन में फंसा हुआ हूँ। लिहाजा मुझे अफसोस है इस बात का कि मुल्क की जो हुकूमत है वो जैसे गैर मुल्की लोग हमारे यहाँ काबिल हो गए थे, ऐसा माहौल हमारे मुल्क में चल रहा है, लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस आवाज़ को पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुँचाए कि मुल्क के अंदर जुल्म और ज़ाती बेइंतहा आगे बढ़ चुकी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद नसीम मेरा नाम है, वल्द अब्दुल कय्यूम, लेट अब्दुल कय्यूम, और ठाकुरगंज थाने से रजबगंज महल्ला छपर वाली मस्जिद का रहने वाला हूँ।